जितेश, राजस्थान में 24 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, लेकिन जहां तक जानकारी है राजस्थान में इससे पहले भी लॉकडाउन का काफी समय निकल चुका है। आखिर वहां पर केसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल करुणा, अभी आपने फहरिस्त बताई हमारे दर्शकों को किस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते एक सप्ताह की फहरिस्त आपने बताई किस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और कोरोना मरीजों की तादाद भी बढ़ी है। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने अब संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, 10 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर ग्रामीण इलाकों अंदर कोरोना बढ़ रहा था, उसको देखते हुए मनरेगा पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। साथ ही मजदूरों को कुछ छूट दी गई है, मजदूर अगर अपनी नौकरी करते हैं, अगर फैक्ट्री में जाते हैं, उनको छूट दी गई है। क्योंकि बीते साल जब कोरोना आया था, पहली लहर आई थी, उसके अंदर देखा गया था कि मजदूरों की किस तरह से पलायन हो रहे थे, बड़ी दयनीय तस्वीरें देश भर में सामने आ रही थी, उसको देख के राजस्थान सरकार ने एक छूट दी है। वहीं आपको बता दें, जैसे आपने बताया संपूर्ण लॉकडाउन, तो एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, राजस्थान में सब्जी से लेकर दूध से लेकर छोटे मोटे सामानों के लिए कुछ घंटे की छूट दी गई है। वहीं रेवेन्यू की दृष्टि से, अगर रेवेन्यू सरकार को रेवेन्यू का लॉस नहीं हो, क्योंकि बड़ा लॉस रेवेन्यू का होता है लॉकडाउन के अंदर, उसको देखते हुए शराब की दुकानों को अनुमति दी गई, कि सरकार को बड़ा राजस्व राजस्थान में शराब की दुकानों से प्राप्त होता है, तो शराब की दुकानों को अनुमति कुछ समय के लिए दी गई है। इस तरह से कहीं ना कहीं छूट दी गई है। और बिल्कुल जो मैरिज है, अगर शादी है, शादी समारोह को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। घर में रहकर आप 11 लोगों की मौजूदगी में मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी SDM से, ADM से, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं। साथ ही पूरी तरह से जो भी आवागमन है पूरी तरह से बंद रहेगा। जो पहली लहर आई थी, तो राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल बहुत फेमस हुआ था कि देखिए भीलवाड़ा में जैसे कोरोना को काबू में किया गया, देश को जरूरत है उस मॉडल को अपनाने की। राजस्थान में अभी क्या वो स्थिति है जो जैसा हमने पहली लहर में देखा था, क्या उस तरह का कोई काम किया जा रहा है? और दूसरी चीज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? हम देखते हैं यहाँ दिल्ली में या दूसरी जगहों पर ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी की बड़ी खबरें आती हैं, राजस्थान में क्या हालात हैं? बिल्कुल करुणा, आप ठीक कह रहे हैं कि राजस्थान में जिस भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश में सुर्खियों बटी हुई थी राजस्थान सरकार ने, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से चरमरा गया है चिकित्सा व्यवस्था। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, जगह जगह तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। VVIP मॉडल पर राजस्थान में काम हो रहा है, भीलवाड़ा मॉडल तो था ही, लेकिन VVIP मॉडल पर काम हो रहा है। अगर कोई फ़ोन करा के जाता है तो उसको इजीली बेड मिल जाता है, कोई बड़ा मंत्री, कोई अधिकारी, उसको बेड मिल जाता है, लेकिन गरीब जनता, आम जनता, यही दिक्कत है इस देश की कि भीलवाड़ा मॉडल जिस पर काम करना चाहिए उसकी जगह VVIP मॉडल पर केवल राजस्थान में नहीं बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा है। और यही इसी वजह से कोरोना की जो महामारी है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया भी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए जितेश। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।